प्रेस वाले और बाकी मेहमान फिल्म देख रहे हैं, तो फिल्म के बारे में कुछ बताएं। पहले तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडी, सब लोग आए और मेरी फिल्म देख रहे हैं। और दूसरी बात, नर्वस बहुत हूँ। सपना को लॉन्च किया इस फिल्म में, तो आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। एंड होपफुली अभी तक तो फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ तो अच्छी ही रिव्यूज़ हैं। अब सेकेंड हाफ के बाद एक्चुअली तारीफ हो या जो भी हो वो पता चलेगा। सो आई थिंक अभी तक तो सेफ है फिल्म। हादी सर, आपने डोंगरी के राजा बनाई थी, रामा द सेवियर आपकी फिल्म आई जी, और डोंगरी का बहुत बड़ी हिट थी जी। और इस फिल्म में आपने चार जो एक्टर्स हैं, तीन टीवी से हैं और एक जो विक्रांत है उसने काफ़ी काम किया है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो इन सब के साथ काम, मतलब आपने उनके साथ वर्कशॉप किया था या फिर उनको किस तरह ट्रेन किया? हकीकत तो ये वर्कशॉप को वक्त नहीं मिला था, लेकिन जब सेट पे आए उन लोग तो मुझे लगे नहीं कि ऐसे न्यू कमर्स हैं, मंझे हुए लगे। और मतलब लाइंस अपनी सीख के आते थे, बहुत इंथुजियास्टिक थे और सेट पे इतने डटे रहते थे कि मज़ा आ गया इनके साथ काम करके। बहुत मतलब के बहुत मतलब तारीफ़ें काबिल हैं इन लोग के, इतने डेडिकेशन से, इतनी अच्छी तरीके से इन लोगों ने और हंसते खेलते 31 डेज में पूरी फिल्म कंप्लीट कर ली हमने। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस। मीना जी की कहानी है जो फिल्म के राइटर हैं जी हाँ, और तो ये कहानी पहले सुनाई गई थी बाद में कास्टिंग हुई थी या फिर कहानी आपको कैसी लगी जब आपने? जी हाँ, कहानी के बेसिस पे ही कास्टिंग हुई थी और उसके बाद जब फाइनल स्क्रीन प्ले निखर के आया तो पंकज उनियाल हैं जो हमारे राइटर हैं, अलीना बिलाल हैं जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, रीना मैम की स्टोरी है उन्होंने, मतलब अगर उनकी स्टोरी नहीं होती तो ना स्क्रीन प्ले होता ना डायलॉग होता ऑब्वियसली, तो उन्होंने ही सब किया। और जो एंड रिज़ल्ट है वो तो बहुत ही अच्छा है। आई मीन आप स्क्रीन पे लोग देखेंगे दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट्स। एक कहानी ऐसी है, यूनिक कहानी है कि इसमें सिर्फ चार दोस्तों की कहानी है और ना ही इसमें कोई लव एंगल है ना रोमांस है ना कुछ, प्योरली फ्रेंडशिप पे बेस्ड फिल्म है। तो कहानी में नयापन है एंड होपिंग कि ऐसे ही ऑडियंस भी रिएक्ट करेंगे। वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइन वीक कल से शुरू हो जाएगा, आज रोज़ डे था, कल अलग अलग डे हैं, तो आपकी फिल्म लवर्स के लिए या फैमिली को क्या, कौन सा गिफ्ट देगी? बेसिकली दोस्ती का गिफ्ट देगी सर, और ये दोस्ती जो लोग भूल चुके हैं काफ़ी वक्त से, दुनिया मटेरियलिस्टिक हो चुकी है और फ्रेंडशिप के रियल मायने नहीं जानती है, इस फिल्म के ज़रिए मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ कि फ्रेंडशिप बचपन से लेके अंत तक फ्रेंडशिप ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फैमिली के बाद एक ही चीज़ काम आती है वो है फ्रेंडशिप, और यही मैं वैलेंटाइंस डे पर सबको गिफ्ट देना चाहता हूँ कि प्लीज़ कम बैक टू योर फ्रेंड्स, बी इमोशनल अबाउट देम एंड हैव ग्रेट फन विद देम। स्टारडम का फील तो सर मुझे तो कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरे स्टार्स को हुआ है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि हाँ वो बड़े हो गए हैं और अच्छे स्टार्स बन गए और आज अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। सर सपना डिसाइड करेगी कि मैं हूँ कि नहीं नहीं ऐसा अभी तक ऐसा कुछ बात नहीं हुई है। ये फिल्म के बाद मतलब जो भी होगी फिल्म, कंसिडर स्क्रिप्ट के बेसिस पे ही होगा जो होगा।